प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे देश ने और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है। ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाए और लगातार बरसाए और सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप भी जानते हैं, अगर पद प्रतिष्ठा की लालसा हो तो एक बार इंसान प्रधानमंत्री की शपथ ले ले फिर उसके जीवन में ऊंचाई को प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। लोगों को लगता है कि मोदी दो बार प्रधानमंत्री रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया, अरे कभी तो आराम करो। मैं मौज करने वाले के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही संसद में कहा था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे और वह भाग जाएंगे। जैसे ही वायनाड में मतदान पूरा हो जाएगा वह दूसरी सीट की तलाश में जुट जाएंगे। अब आप देख ही लीजिए, उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्हें अमेठी से इतना डर लगता है कि वह रायबरेली की ओर भाग रहे हैं। वे हर किसी से पूछते हैं डरो मत, आज मैं भी उनसे पूछता हूं डरो मत भागो मत। साथियों, मुझे देश ने इतना आशीर्वाद दिया है, आप सब ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है, शायद दुनिया में कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाए और लगातार बरसाए और सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत,